हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में, उसके बुक लिस्ट और आखिर में कैसे इस सब्जेक्ट को डील किया जाए, मतलब कि कैसे इस सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन की जाए। तो जितने भी लोग नए लोग हैं या जितने भी लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, केवल मेरी सजेशन रहेगा केवल वही लोग देखें, और जो लोग भी सफिशियंट इनफ प्रिपरेशन कर चुके हैं विद ज्योग्राफी ऑप्शनल, आपको ये वीडियो देखने की ऐसा जरूरत नहीं है। इसमें कोई ऐसी बहुत नई चीज नहीं बताई जाएगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस ज्योग्राफी ऑप्शनल में सिलेबस क्या है, और फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे द बुक लिस्ट एंड अकॉर्डिंगली वी विल सी द स्ट्रैटेजी हाउ टू डील विद ज्योग्राफी एंड हाउ टू प्रिपेयर आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन अ मच बेटर फैशन। सबसे पहले अगर देखें तो ज्योग्राफी में ऑब्वियसली दो पेपर होते हैं जैसे बाकी के सब्जेक्ट्स में होते हैं। इसमें जो पहला पेपर वन होता है, ये बेसिकली इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो फिजिकल ज्योग्राफी का होता है और दूसरा होता है जो ह्यूमन ज्योग्राफी का होता है। अगर सबसे पहले हम लोग पेपर वन ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात किया जाए, तो ये सिलेबस है बेसिकली जहां पर जियोमॉर्फोलॉजी के फैक्टर्स बात किए जाते हैं। ये जो जियोमॉर्फोलॉजी का फैक्टर है, या कह लीजिए जो सिलेबस है, जो इसमें टॉपिक्स है, वो जीएस के टॉपिक्स के साथ में काफी हद तक कोरिलेटेड है। लेकिन अगेन यहां पर आप कह लीजिए 40-50% एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे होते हैं जो जीएस में नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जीएस के बियॉन्ड होती है। जैसे आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी, वेगनर थ्योरी पढ़ी, इसके अलावा और भी थ्योरीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी और एक्स्ट्रा थ्योरीज पढ़नी होती है। माउंटेन बिल्डिंग को लेकर के पढ़नी होती है, एडवर्ड स्विस मॉडल एंड कोबर मॉडल एंड ऑल दैट, कई सारे और भी थ्योरीज, जियोसिंक्लाइन थ्योरी वगैरह पढ़नी होती है और काफी डिटेल में पढ़नी होती है, जो कि आपको एज सच जो है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जीएस में तो बिल्कुल होते ही नहीं है, लेकिन ऑप्शनल में पढ़ने होते हैं, जैसे कि आपका डिन्यूडेशन क्रोनोलॉजी हो गया, स्लोप डेवलपमेंट हो गई, आपकी डेविस का मॉडल हो गया, पिंक का मॉडल हो गया, एलसी किंग मॉडल हो गई, या अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, चैनल मॉर्फोलॉजी हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको कि एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए। ये टॉपिक देखिए कभी भी कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होती इस टॉपिक में, ये आसानी से डील कर लिया जाता है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज वेरी साइंटिफिक सब्जेक्ट। एंड अगर आपको फिजिक्स की बेसिक नॉलेज है तो आपको इस चैप्टर में कभी भी प्रॉब्लम एज सच फेस नहीं होती है। आगे अगर बात करें तो दूसरा जो टॉपिक होता है दैट इज द क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक। अगेन ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं फिजिक्स से लॉ से ही रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स वगैरह अगर आपकी स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसा फेस नहीं होती है। ये टॉपिक भी अगर बात करें तो अगेन जीएस के साथ में काफी हद तक कॉमन हो जाता है, लेकिन थोड़े मोड़े यहाँ पर भी कह दूंगा कि फैक्टर्स, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो अगेन आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं जो कि जीएस में नहीं होता है। लेकिन अगेन ये केवल केवल 20-30% ही एक्स्ट्रा कह दीजिए कि जो है टॉपिक्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, अदरवाइज मोर और लेस सब्जेक्ट इज सेम। बस ये होती है कि थोड़ी सी आपको डिटेल में चीजें देखनी होती है, जैसे अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी हो गया, अर्बन क्लाइमेट हो गई। यहां पर मैं कहूंगा कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कई सारी डेवलपमेंट्स अभी रिसेंट में हो ही रही है। एटमोस्फेरिक साइंस जो इंजीनियरिंग का टॉपिक होता है, वो एक नई ब्रांच निकल करके आई है जिसमें काफी हद तक नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ये नई डेवलपमेंट पे ऑब्वियसली यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, बिकॉज इट अगेन फॉल्स इनटू द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क अगेन नहीं होता है, इजिली डील कर लिया जाता है एस्पिरेंट्स के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होती है दैट इज द ओशियनोग्राफी का टॉपिक। ओशियनोग्राफी में भी अगेन यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 20-30% एक्स्ट्रा जीएस से होता है। अगेन यहां पर भी फिजिक्स के लॉज ही होते हैं, फ्लूड मैकेनिक्स वगैरह पढ़ना होता है यहां पर, तो और कह लीजिए प्रेशर का एक बेसिक अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इस चैप्टर को काफी इजीली डील कर सकते हैं। यहां पर जो एक्स्ट्रा फोकस करना होता है वो कोरल रीफ के डेवलपमेंट पे, कोरल रीफ की कुछ थ्योरीज है जैसे कि आपका डार्विन की थ्योरी या डेली की थ्योरी, इन थ्योरीज पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होता है, अदरवाइज दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इजी टॉपिक, आसानी से डील कर लिया जाता है और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक होती है बायो ज्योग्राफी का टॉपिक। हालांकि ये बायो ज्योग्राफी अलग से दिया जरूर गया है यूपीएससी के सिलेबस में,
बट बायोजोग्राफी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी ये दोनों एक्चुअली क्लब करके ही पढ़ाई भी की जाती है और आपको बुक्स वगैरह भी जो मिलेंगी वो इन दोनों को क्लब करके ही बुक मिलती है। यहाँ पर अगेन बायोजोग्राफी में अगर बात करें तो बेसिकली वेजिटेशन, सॉयल एंड इससे रिलेटेड जो कुछ भी चीजें होती है, फ्लोरा एंड फौना, इसी के बारे में आपको पढ़ाई करनी होती है और इसी बायोजोग्राफी से रिलेटेड होता है आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक। इन्वायरमेंट के जो टॉपिक होते हैं ये हालांकि होते तो ज्यादातर जो है जीएस के टॉपिक होते हैं। इनफैक्ट इन जीएस जो इन्वायरमेंट पढ़ा जाता है वो काफी डिटेल में पढ़ा जाता है एंड उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि उसमें काफी डिटेल में चीजें भी पूछी जाती हैं और नियर अबाउट अगर आप देखेंगे तो 20% के नियर अबाउट में आपका प्रीलिम्स का जो पोर्शन होता है वो इन्वायरमेंट ही एनी हाउ कवर करता है। तो वहां से मोर ऑर लेस जो है आप चीजों को कवर कर ले जाते हैं। तो यहां तक अगर आप देखेंगे पेपर वन में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इनफैक्ट स्टूडेंट जब शुरू भी करते हैं, एस्पिरेंट जब शुरू भी करते हैं तो ये टॉपिक्स देखते हैं और अल्टीमेटली मन बना लेते हैं कि यार ये तो चुटकियों का खेल है, इसको फटाफट हम लोग कर ले जाएंगे। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहीं से क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने देखे हैं पेपर वन में, अगर आप इसको यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप पढ़े बहुत कुछ रहेंगे लेकिन अगेन क्वेश्चन आप करने में काफी प्रॉब्लम फेस करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट जितना साइंटिफिक है उतना ही ज्यादा ब्रॉड भी है। तो आपको काफी ज्यादा रिसर्च करनी होती है, काफी ज्यादा डिटेल्ड में पढ़ाई करनी पड़ती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई रिसेंट में डेवलपमेंट हुई है, कोई रिसर्च हुई है तो वो आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा और वो भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोचें कि केवल एनसीईआरटी पढ़ करके या फिर जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ करके अगर मैं इस ज्योग्राफी ऑप्शनल को डील कर ले जाऊंगा तो दिस इज अगेन अ मिथ, ये एक प्रॉब्लम फेस कर सकता है, ये प्रॉब्लम आपके लिए आगे बन सकता है। लेकिन जो चीज जितनी टफ होती है वो एक्चुअल में यूपीएससी में उतनी ही आसान होती है, जैसे कि द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पेपर वन, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जनरली स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है और काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करनी होती है इसमें। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस ह्यूमन ज्योग्राफी को प्रिपेयर कर लेते हैं तो दो फायदे होते हैं। एक फायदा यूपीएससी के जो क्वेश्चन आएंगे, सिविल्स में आपके जो क्वेश्चन आएंगे काफी आराम से डील कर ले जाते हैं आप लोग। नंबर टू, एक्स्ट्रा मार्क्स फेचिंग ये टॉपिक है। इनफैक्ट आई सजेस्ट एंड आई रिकमेंड स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स टू फर्स्टली फोकस दिस ह्यूमन ज्योग्राफी टॉपिक। उसके पीछे क्यों, क्या रीजन है वो अभी मैं आगे जब स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो आपको और अच्छे से बताऊंगा क्योंकि ये वो एक्स्ट्रा कह लीजिए कि एक ब्रह्मास्त्र होती है जो ज्योग्राफी को 250 नंबर से 300 नंबर तक फेच करा सकती है। लेकिन आप इस टॉपिक को ग्रिप पकड़े रहे, इसकी जो कहा जाता है नस पकड़ ले, वही वाला ये चीज होती है। यहां पर अगर टॉपिक में देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इज द पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि अभी आगे बताया गया है। तो सबसे पहले यहां पर जो टॉपिक लिखी गई है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी लिखी गई है जहां पर अगेन थोड़े से मॉडल्स के बारे में पढ़ना होता है। फिर आपको जो चीजें पढ़नी होती है वो कहीं से भी आपका जीएस नहीं होता है, दिस इज इंटायरली डिफरेंट टॉपिक। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आपको करंट अफेयर्स के टच में बना रहना होता है। इनफैक्ट यहां पर आपको एफएओ की वेबसाइट पे जाकर के देखनी पड़ेंगी चीजें, यूनाइटेड नेशंस के जो सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पर आपको जाकर के देखनी पड़ेंगी, इन्वायरमेंटल लॉज को पढ़ना पड़ेगा जो इंटरनेशनल लॉज हैं यूनाइटेड नेशंस या फिर जितने इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी नई रिपोर्ट्स आती हैं जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आ गई या फिर फेमाइन की रिपोर्ट आ गई या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कोई रिपोर्ट निकालती है तो यू हैव टू इंटीग्रेट, यू हैव टू रीड दैट रिपोर्ट और ये जो है थोड़ा सा टफ टास्क जरूर हो जाता है। लेकिन ये टफ टास्क जरूर है लेकिन ये अगेन आसान होता है। एक बार आपने चीजों को कंप्रीहेंड कर लिया, अगर अपने ग्रिप में ले लिया तो बस एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है। तो इसी वजह से थोड़ा सा ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स और टफ दोनों हो जाता है। दूसरी होती है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, दिस इज द मोस्ट कह लीजिए कि काफी बढ़िया टॉपिक होता है, ये बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट अगर आप इसको पढ़ाई करेंगे तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और काफी कुछ जानने को मिलता है। कई सारी चीजें होती हैं जैसे इनफैक्ट जीएस में आप कभी भी पॉपुलेशन पॉलिसीज जनरली नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू विद इट बट जनरली आप जो है पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं पढ़ते हैं। बट इन दिस पॉपुलेशन ज्योग्राफी टॉपिक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़नी होती है सिंस 1950s, 1950 से लेकर के आज तक में गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसी को गो थ्रू करा रही है ये आपको पढ़ना होता है।
हालांकि ये टॉपिक आप जीएस में भी जो सोसाइटी का पार्ट होता है वहां पर पढ़ लेते हैं, बट अगेन दिस इज एसेंशियल हियर इन दिस ह्यूमन ज्योग्राफी। तो कहीं ना कहीं आपका जो सोसाइटी का टॉपिक है, जीएस का टॉपिक है, वो भी अगेन जो है ज्योग्राफी में कवर हो जाता है। लेकिन ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है और मार्क्स फेचिंग भी है। इसके अलावा रीजनल टॉपिक, रीजनल प्लानिंग की टॉपिक होती है। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन, टाइप्स ऑफ रीजन एंड मेथड ऑफ रीजनलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं और कई सारी ऐसे थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं जिसका हालांकि रेलेवेंस तो अब आज की डेट में नहीं है, लेकिन इससे हमें कह लीजिए कि जो पुराने टाइम के जितने भी डेवलपमेंट्स हुई थी या जितने टाइम के ज्योग्राफर्स थे या कंट्रीब्यूटर्स थे, हमें उनके बारे में, उनकी सोच के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगेन एक हमें काफी अच्छी ब्रॉड नॉलेज मिलती है। जैसे अगर हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है? हिस्ट्री इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि अगर वही रिपीटेड इवेंट्स अगर हो रहे हैं तो हम उस इवेंट्स को पहचान सके और जो पास्ट में लोगों ने गलतियां की हैं वो हम वो गलती ना करें और हम लोग कुछ अदर अल्टरनेटिव उसके लिए सोच करके रखे रहे हैं। तो यही चीज यहां पर भी होती है रीजनल प्लानिंग में। रीजनल प्लानिंग जो पहले की जाती थी, जैसे सपोज यू आर डेवलपिंग अ सिटी या फिर कोई भी एक अर्बन एरिया आपने डेवलप करना है, तो आप क्या करेंगे? आप उस एरिया की स्टडी करेंगे, सर्वे करेंगे, पॉपुलेशन को कंडक्ट करेंगे, फिर देखेंगे वेयर आर द हैबिटेबल रीजन्स, वेयर द इंडस्ट्री कैन बी डेवलप्ड। तो हर चीज के बारे में आप बेसिकली स्टडी करेंगे, सर्वे करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली जो है वहां पर आपने सिटी को डेवलप कर लिया। लेकिन विद द टाइम जब न्यू प्राइमेट सिटीज, मतलब कि जब न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज इमर्ज करेंगे, तो ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंसर्निंग थिंग विल बी द ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, कंजेशन विल बी द इशू। तो इस वजह से क्या होगा कि आप यहां से एक्सपीरियंस गेन कर रहे होंगे कि हमें कुछ एरिया जो होंगे वो बफर में छोड़ने पड़ेंगे जहां पर लेटर ऑन इंडस्ट्रीज डेवलप की जा सके, और ऐसी जगह में छोड़नी पड़ेंगी जहां पर हमें ट्रैफिक का खतरा ना हो, कंजेशन का खतरा ना हो। और इसलिए हम लोग पढ़ते हैं रीजनल प्लानिंग, हाउ टू प्लान ए रीजन, हाउ टू डील विद अ रीजन या फिर रीजनल डेवलपमेंट। तो यहां से जो है हमें कई सारी चीजों के बारे में पढ़ा होता है। तो मैं केवल एक इशू, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर बता दिया कि ट्रैफिक मैनेजमेंट इज अ थिंग। इसी तरीके से बहुत सारी, जैसे वाटर डेफिसिट हो गया, फ्लड मैनेजमेंट हो गया, अर्थक्वेक मैनेजमेंट हो गया, तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स एंड डिजास्टर्स होते हैं जिनको लेकर के हमें प्लानिंग करनी होती है और ये बेसिकली रीजनल प्लानिंग के ही अंतर्गत आ जाती है। इनफैक्ट इस ज्योग्राफी का आपके इंटरव्यू में भी काफी अच्छा एक इंपैक्ट जा सकता है, बिकॉज बीइंग अ ज्योग्राफी स्टूडेंट यू कैन गिव अनदर डिमेंशन फॉर एनी प्रॉब्लम एंड हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम। यू कैन गिव अनदर डिमेंशन जो कि बाकी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप ज्योग्राफी को किताबी भाषा में ना पढ़ करके एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ाई करें। बताऊंगा कैसे क्या होती है, लेकिन अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इनफैक्ट इसको डील करने में काफी इंटरेस्ट भी आता है। फिर आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसर्निंग थिंग, दैट इज द मॉडल थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। और ये एक्चुअल में सरदर्द बना होता है हर एक एस्पिरेंट्स का, और उसमें प्रॉब्लम यही है कि इसमें नंबर ऑफ थ्योरीज, नंबर ऑफ लॉज आ जाते हैं जिनको कि याद रख पाना, डील कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर ह्यूमन ज्योग्राफी, नॉट ओनली इन ह्यूमन ज्योग्राफी, आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंटायर ज्योग्राफी ऑप्शनल। दो टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने होते हैं, एक होता है जो आपका मॉडल थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी होता है और दूसरी होती है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा। इन दोनों टॉपिक को आपको बहुत ही डील में, बहुत ही डिटेल में करना होता है, बिकॉज दिस इज द लिटरेचर पार्ट ऑफ दिस ज्योग्राफी। और ये या तो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएंगे जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आराम से कर लिया जाता है अगर आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे। दूसरा, ये एक जीएस के क्वेश्चन को ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चन में, यानी कि आंसर में तब्दील करता है। तो ये काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बिकॉज इन द पेपर टू, वेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर ऑफ पेपर टू, होता क्या है कि आपको जो क्वेश्चन लिखेंगे वो आपको लगेगा यार ये तो जीएस का क्वेश्चन है, हाउ टू डील दिस क्वेश्चन इन ज्योग्राफी ऑप्शनल, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, तो कई सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। देयर दिस टू टॉपिक, द मॉडल्स टॉपिक एंड पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी टॉपिक, ये दोनों टॉपिक आपको काफी हेल्प करते हैं टू मेक एनी आंसर फ्रॉम द जीएस आंसर टू द ज्योग्राफी ऑप्शनल आंसर।
और यही जो आर्ट, ये जो आर्ट है इसको जो सीख लेता है वो अगेन ज्योग्राफी ऑप्शनल में काफी अच्छा नंबर जो है, काफी अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर लेता है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है और इनफैक्ट मैं कहूंगा दिस इज द सुपर इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस ज्योग्राफी ऑप्शनल। नेक्स्ट जो आती है पेपर टू आती है। पेपर टू आपके कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी जो कि जीएस के पार्ट से भी होता है, और जीएस के पार्ट में अगेन आप जब पढ़ते हैं तो काफी सरफेशियल पढ़ते हैं जिसको कि डिटेल में पढ़ना होता है हमें इस पेपर टू में। पेपर टू में हम लोग जितने भी पेपर वन में टॉपिक्स देखें, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी हो, इन सब का इंप्लीमेंटेशन हमें पेपर टू में देखने को मिलता है। दोनों पेपर में अंतर ये है कि जब आप पेपर वन डील करते हैं तो वहां पर आप जब एग्जाम्पल्स लेंगे तो वहां पर आप वर्ल्ड के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, संसार के एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर आप इंडियन ज्योग्राफी मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। लेकिन वहां पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू विल मेक अ बैलेंस ऑफ ग्लोबल एज वेल एज इंडियन एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल आपको वहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वहां पर लिखेंगे, और इसी वजह से थोड़ी सी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। Although it is not in our syllabus directly, लेकिन अगेन पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यहां से examples collect होते हैं, number two GS में आपकी help हो जाती है। Paper two के अगर syllabus में देखेंगे तो basically 10 topics, 10 topic होते हैं यहाँ पर। एक topic होता है जो आपके basic physics में आती है, that is the physical setting। यहाँ पर आप पढ़ रहे होते हैं geological time scale के बारे में, या फिर जो इंडिया डेवलप हुआ, इंडिया की जो फिजियोग्राफी डेवलप हुई है वो कैसे डेवलप हुई है विद अ टाइम स्केल। जैसे यहाँ पर आप अलग अलग टाइम स्केल पढ़ते हैं, जैसे पैलियोलोजोइक हो गया, मीसोजोइक हो गया, होलोसीन पीरियड, मायोसीन पीरियड, प्लीस्टोसीन पीरियड, तो ये पूरे जितने भी टाइम स्केल होती है उसमें पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर आप हर एक टाइम स्केल में ये भी देख रहे होते हैं कि भाई किस टाइम पर क्या डेवलप हुई है, जैसे डेक्कन कब डेवलप हुआ है, हिमालय कब उठनी शुरू हुई है, तो ये सारी डेवलपमेंट्स आपको पढ़ना होता है। थोड़ा सा ट्रिकी जरूर होता है, थोड़ा सा कह लीजिए फ्रस्ट्रेटिंग जरूर होता है, लेकिन अगेन अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एक काफी अच्छा आपको एज मिल जाता है, क्योंकि आप इस ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को अगर आपने याद कर लिया, दो पेज का होता है, अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप हर एक क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल सकते हैं। अगर कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड या लैंडस्केप से रिलेटेड, अगर टोपोग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का डाल सकते हैं कि भाई इस टाइम पीरियड में देखिए ये वाली डेवलपमेंट हो रही थी, और लेटर ऑन इन दिस पीरियड दिस डेवलपमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, और जो है कन्वर्जन इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इनफैक्ट जितने भी ये टॉपिक आप देख रहे हैं इसमें अंदर में सब टॉपिक्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे के लेक्चर्स में जब आप जो प्लेलिस्ट दी गई है उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले सिलेबस को डिस्कस किया गया एंड देन उसमें जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो सिलेबस है उसको गो थ्रू किए रहे हैं, उसको याद किए रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जब भी आंसर लिखना होगा, जैसे 10 चैप्टर्स है इसमें, ये 10 डिमेंशन आपको दे देगा, 10 डिमेंशन इन एनी आंसर, और अगर आप 10 डिमेंशन किसी आंसर में लिख दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गए हैं। इसके बाद जो दूसरी टॉपिक होती है दैट कम्स अंडर रिसोर्स पार्ट। हालांकि ये रिसोर्स पार्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, काफी डिटेल में तो नहीं देखना होगा, आपको सरफेशियल देखना होगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल चैप्टर। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है आगे अभी देखेंगे, ये जो इंडस्ट्रियल चैप्टर होती है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहां पर आपको इंडस्ट्रियल सेटअप के बारे में बताना होता है, और जो इंडस्ट्रियल सेटअप होते हैं या तो वो रॉ मटेरियल बेस्ड होते हैं या फिर वो लोकेशन बेस्ड होते हैं या एनी हाउ रिलेटेड होते हैं, तो आपको वो रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर में वो कौन से रिसोर्स हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं और कहाँ पे इंडस्ट्री हम लोग सेटअप करते हैं। तो इस वजह से ये रिसोर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगेन जो होता है ये कहूंगा मैं कि जीएस यहाँ पर जो है द लिमिट ऑफ द जीएस इज एग्जैक्टली सेम एज ऑफ द ऑप्शनल, बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा होता है जो एग्रीकल्चर का टॉपिक होता है, यहाँ पर आप एग्रीकल्चरल जितनी भी चीजें होती हैं, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ यहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। इससे फायदा ये हो जाता है कि आप इकोनॉमिक्स का भी अगर पेपर डील कर रहे हैं तो यू कैन राइट ऑल द फैक्ट विच इज देयर इन दिस ज्योग्राफी, यू कैन ऑल्सो राइट इन इकोनॉमिक्स पेपर थ्री, जो जीएस पेपर थ्री होती है इकोनॉमिक्स की, वहां पर आप इस चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप बहुत सारी मैगजीन से भी पढ़ रहे होते हैं, करंट अफेयर से डेटा भी उठा रहे होते हैं, रिपोर्ट भी पढ़ रहे होते हैं,
और मतलब मल्टीपल चीजें आप कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो एग्रीकल्चर सेंसस भी आपने पढ़ के रखा हुआ है, लाइव स्टॉक सेंसस भी आपने पढ़ के रखा हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन भी आपने पढ़ के रखा हुआ है, लैंड की जो रिफॉर्म्स है वो भी पढ़ के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको ये जीएस में बहुत ही अच्छा खासा हेल्प दे देता है। और ज्योग्राफी में तो खैर आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होती है वो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड होती है। मैं कहूंगा कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अगेन एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं आपसे, तो इस वजह से इसको भी डील कर लेना चाहिए। बट दिस टॉपिक इज नॉट टफ टॉपिक, एक्चुअली ये काफी आसान टॉपिक होता है। इनफैक्ट रेगुलर लाइफ की चीजें, भाई आप रोड पे जा रहे हैं आपको पता है रोड तो होगी, रेल से जा रहे हैं आपको पता है रेलवेज तो है ही, एयरपोर्ट से जा रहे हैं आपको एयरवेज के बारे में पता चल गया, वाटरवेज के बारे में पता चल गया, स्पेस के बारे में पता चल गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में आपको पता चल गया। तो यहाँ पर आप ऐसी चीजों से डील कर रहे होते हैं जो आप या तो न्यूज़पेपर के थ्रू टच में रहते हैं, या फिर अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, या फिर मान लीजिए कि आप कहीं मान लीजिए कि वर्क कर रहे हैं, तो काफी आसान हो जाता है इस चीज को डील कर पाना। आगे जो टॉपिक होती है वो अगेन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जैसे हम लोगों ने इस पेपर वन ह्यूमन ज्योग्राफी में बात किया था, वही इसका इंडियन पार्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं कल्चरल सेटिंग, या फिर कल्चरल ज्योग्राफी, या इसी को बोल सकते हैं आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ पेपर वन। तो यहाँ पर जो है इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं। जनरली व्हाट पीपल डू, पेपर वन में जब पढ़ रहे होते हैं उसी समय पेपर टू वाले इस पार्ट को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप डील कर सकते हैं देन इट इज ओके, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग पेपर टू आंसर, यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर वन थिंग, जो कि अगेन कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है। यू विल नॉट फेच मोर मार्क्स एज ऑफ अगर आपने पेपर टू की अलग से प्रिपरेशन करी है। तो इस वजह से इसको सेपरेटली डील करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि यहां पर आप जितना ज्यादा डेटा, जितना ज्यादा कंसेप्ट्स आप लिखेंगे, रिपोर्ट आप जितनी ज्यादा साइट करेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो यहां पर ये कह लीजिए कि इंडियन पर्सपेक्टिव है, और वहां पर वो इंडियन एज वेल एज ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आ जाता है। और अगर आप पैरेलली मतलब एक साथ किए रहेंगे चीजें, तो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं जो होती है वो लैग कर जाता है, जबकि हमें डिफरेंस अलग से देना होता है। फिर इसके बाद से सेटलमेंट के बारे में हो जाता है, एंड दिस इज मोर लेस सेम एज ऑफ द पेपर वन। यहाँ पर बस क्या है कि आपको पेपर वन का जो डेटा होता है वो यहाँ पर अपडेट करना होता है, मतलब यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ द पेपर वन, बट यू हैव टू अपडेट द डेटा ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कंटेक्स्ट। तो ये एक अंतर होती है। फिर आती है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। यहाँ पर आप इंडिया में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जैसे इंडिया में डेवलपमेंट देखेंगे तो मल्टीपल डेवलपमेंट हुई है सिंस इंडिपेंडेंस, जैसे जो भी फाइव ईयर प्रोग्राम्स हैं, पंचवर्षीय योजना हो गई, या फिर जो भी कह लीजिए इंटीग्रेटेड प्लान्स लाए गए हैं, टारगेटेड डेवलपमेंट प्लान्स लाए गए हैं, ड्रॉट डेवलपमेंट प्लान्स लाए गए हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट लाई गई है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया है, बहुत सारी चीजें लाई गई हैं। और इन सारी चीजों को अगर आप गौर से देखेंगे तो बेसिकली ये सारे प्रोग्राम्स या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये रीजनल डेवलपमेंट के लिए लाई गई हैं, बिकॉज इन इंडिया वी हैव लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, एंड दिस डाइवर्सिटी इज विद रिस्पेक्ट टू द बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज द क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में 21 टाइप ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजियंस पाए जाते हैं, और ये जो 21 टाइप के क्लाइमेटिक रीजियंस है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया जो है पूरे संसार का सार इंडिया में मिल जाता है। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पेपर टू, एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज यू गेट टू नो एग्जैक्टली वॉट ऑल आर द प्रॉब्लम्स इन वॉट रीजियन, एंड ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट अगर मान लीजिए कहीं पर कोई इशू होता भी है, जैसे अगर मान लीजिए मराठवाड़ा महाराष्ट्र के रीजन में, सौराष्ट्र के रीजन में अगर कहीं सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट आ रही है, तो यू विल एटलीस्ट हैव एन आइडिया हाउ टू डील विद दैट ड्रॉट इशू। और ये सारी चीजें आप यहीं पर पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एस्पेक्ट होती है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ऐसा कुछ खास होती नहीं है, इंटरनेशनल फ्रंटियर बाउंड्री इन सब के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं, ओशन पावर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपने थ्योरीज पेपर वन में पढ़ी है, स्पाइकमैन की थ्योरी या हॉटलैंड की थ्योरी, तो ये जो मैकाइंडर की थ्योरी, ये सब जो थ्योरीज आपने पढ़ी होती है वो सारी थ्योरी का यहाँ पर एप्लीकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे, लाइक
डोकलाम इशू, इंडो चाइना जो बॉर्डर इशू है, स्ट्रैटेजिक इशूज हो गए, इंडो नेपाल इशू हो गया, इन सारे इशू को जो कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, यहां पर आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। और यहां पर जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस और सी पावर को लेकर के देखना होता है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज द मैकाइंडर थ्योरी और द स्पाइकमैन थ्योरी, इन दोनों थ्योरी को आपको जो है देखना पड़ता है। अल्फ्रेड महान थ्योरी भी आप यूज करना चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। इन सारी थ्योरी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, आप बहुत ज्यादा जो है इसमें परेशान मत होइएगा। ये सारी चीजें जो होती है वो पढ़ाई जाती है। दीज आर वेरी मैं कहूंगा कि बहुत आसान सी चीजें होती है। मैं इतना टफ और इतना फ्रिक्वेंटली जो नाम ले रहा हूँ, दीज आर वेरी एक्चुअली वेरी स्मॉल थिंग्स, एंड वंस यू रीड ऑल दीज थिंग्स तो यू विल ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग दीज मॉडल्स वेरी फ्रिक्वेंटली, तो आपको ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कंटेम्प्ररी इशूज। और इसके लिए मैं कहूंगा ना कोई किताब है, ना कोई मैगजीन है, और ना ही कोई सिंगल बुक है या कोई सिंगल सोर्स है। आपको ये मल्टीपल सोर्सेस से करने होते हैं, मल्टीपल मैगजीन्स, मल्टीपल न्यूज़पेपर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग से आपको यूज करना होता है। यहां पर आप जितनी भी चीजें पढ़ी होते हैं उन सारी चीजों का समरी लेकर के आना होता है, कीपिंग इन माइंड कि यू आर राइटिंग अ ज्योग्राफी ऑप्शनल आंसर। तो यहां पर जितनी भी टॉपिक्स आपने पढ़ी हुई, इसीलिए लास्ट टॉपिक है, जितनी भी चीजें आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ी हुई है उन सब चीजों को आपको यहां पर एक साथ लेकर के आना होता है। तो काफी चैलेंजिंग भी हो जाता है, लेकिन अगेन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू यूज ऑल द चैप्टर्स व्हाट यू हैव स्टडीड इन दिस ऑप्शनल। तो अगर आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर में तो काफी मतलब टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो ब्रॉड तो है लेकिन अगेन इंटरेस्टिंग भी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वन चैप्टर इज इंटर रिलेटेड विद द अदर चैप्टर। तो ये जो इंटरलिंकिंग है ये एक तो इंटरेस्ट को भी बनाए रखता है और दूसरा काफी कह लीजिए कि कनेक्टिंग होते हैं, जॉटिंग्स आपके कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर आपको एक बड़ा अच्छा जो है माहौल मिल जाता है पढ़ाई भी करने का, समझने का भी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इस अगर ज्योग्राफी को पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया समझ में आती है कि किस तरीके से डेवलपमेंट ले आनी है। ये केवल और केवल ज्योग्राफिकल टोपोग्राफिकल डेवलपमेंट नहीं होती है बल्कि एक्चुअल में ह्यूमन डेवलपमेंट भी होती है। तो ये काफी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है, इस वजह से मैं कहूंगा ज्योग्राफी इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन यहां पर आपको हमेशा जो है एक बात दिमाग में रखनी होती है कि यू आर प्रिपेयरिंग दिस ऑप्शनल फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। तो आपको हमेशा कितना भी आपको इंटरेस्ट आ जाए, आप इसमें एमए नहीं कर सकते हैं, आप इसमें पीएचडी नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से आपको अपने दिमाग में हमेशा एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यू आर प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक फॉर कंपटीशन। ठीक है, अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि आखिर में बुक्स क्या होती है, कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी होती है। तो देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं, हालांकि इसके बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बुक खराब है या कोई बुक बहुत अच्छी है। देखिए सारी बुक अच्छी होती है, बस इसमें चीजें ये होती हैं कि यू हैव टू हाउ यू आर यूजिंग दैट बुक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, बस आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे हो सकता है कि आपका कोई टॉपिक वीक हो जो दूसरे का काफी स्ट्रांग हो, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन वीकनेस नॉट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अदर। तो हमें अपने अकॉर्डिंग चीजें देखनी होती है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होती है एंड हाउ टू रीड दैट बुक एंड व्हेन टू रीड दैट बुक, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। बिकॉज मुझे भी कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि हमारे क्लास के स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि भाई हमें ये वाली भी किताब पढ़ लेनी चाहिए, ये वाली मैगजीन भी पढ़ लेनी चाहिए, ऐसे भी पढ़ लेना चाहिए वैसे, एंड दे एंड अप डूइंग नथिंग। तो इस वजह से यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू स्टडी स्टेप बाय स्टेप। पहले आप कोई एक चीज कंप्लीट कर लीजिए, बेसिक, देन एडवांस, एंड देन अल्टीमेटली द लीजेंडरी थिंग यू हैव टू कंप्लीट इट। कैसे करना है स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले जो आपकी पेपर वन फिजिकल ज्योग्राफी है, यहां पर आप लोगों ने पांच टॉपिक देखे हैं, वन इज द जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट, ओशियन, बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंट। इसके लिए देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको आपको सबसे पहले मैं कहूंगा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो आपका बेसिक है। ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आप पूरा ऑप्शनल पढ़ लिए, नहीं, आपको एक कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा और वो स्टार्ट बेसिकली एनसीईआरटी होती है। एनसीईआरटी के बाद मैं बोलूंगा कि आप सविंदर सिंह पढ़ सकते हैं, दिस इज अगेन अ वेरी गुड बुक। इनफैक्ट
सविंदर सिंह की कई सारी बुक्स आती हैं, जैसे ये एक बुक आप ले सकते हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी इंटायरली कवर करता है। लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल में देखनी है, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी और ओशियन और बायोजियोग्राफी और एनवायरमेंट, देन यू कैन परचेज सेपरेट कॉपी ऑफ दिस। जैसे इसमें सविंदर सिंह की जियोमॉर्फोलॉजी अलग से भी आती है, काफी ज्यादा डिटेल्ड है, काफी ब्रॉड है। क्लाइमेटोलॉजी अलग से भी आती है सविंदर सिंह की, सिमिलरली ओशनोग्राफी बायोजियोग्राफी भी अलग आती है। बट स्टार्टिंग में मैं कहूंगा क्या करना चाहिए, तो स्टार्टिंग में आप फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह पढ़िए। इफ यू हैव स्पेस टाइम, काफी अगर मान लीजिए अच्छा खासा समय मिल रहा है, देन ऑनवर्ड्स आप जो है बाकी के बुक्स को लेकर के पढ़ सकते हैं। हालांकि नंबर ऑफ बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, इंडियन राइटर भी हैं, फॉरेन राइटर्स भी हैं, लेकिन अगेन आपको लिमिट में रहना है क्योंकि आपको ऑप्शनल के साथ साथ बाकी के जीएस के टॉपिक्स भी प्रिपेयर करने हैं। लेकिन अगेन सपोज मान लीजिए कि आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ले रहे हैं, या मान लीजिए कि गलती से या किसी भी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है एंड यू आर रिपीटिंग द सेम बुक्स अगेन, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद द अदर बुक ऑल्सो एंड गो विद मच डीपर आई वुड से की नॉलेज। तो थोड़ा सा आप डीपर जाइए, तब आप जो है बाकी जो बुक्स हैं उनको आप परचेज करके आप उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और रूपा मेड सिंपल बुक आती है, मैं ये भी कहूँगा कि आप एक बार एटलीस्ट पढ़ तो सकते ही हैं, बिकॉज अगेन हर एक बुक में कुछ ना कुछ आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर मिलेगी, और वो एक्स्ट्रा नॉलेज कहीं ना कहीं दूसरे बुक में मिसिंग होती है, या तो या फिर आप उसे समझ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से ज्यादा बुक्स को अगर आप प्रेफर करेंगे, तो अगर कोई पॉइंट एक बुक से छूट भी गई होगी तो आप दूसरे बुक में उस चीज को कवर कर सकते हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि अगर आपने एक बुक को पढ़ा है तो दिस इज नॉट ए नॉवेल। ऐसा नहीं है कि स्टोरी बुक है, आपने एक बार पढ़ लिया देन भूल गए, कोई बात नहीं है, नहीं, यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन। बार बार आपको वही सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। या दूसरा चीज कि आपने जो नोट्स बनाया है उसमें आप इन बुक्स को पढ़िए। इफ यू आर गेटिंग एनी न्यू थिंग, कोई नई चीज अगर आपको मिलती है तो आप उस चीज को अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर लीजिए, देन आप उस बुक को भले आप ना पढ़िए तो बात अलग है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बुक की पूरी समरी पता होनी चाहिए, बुक में क्या है ये चीज आपको पता होना चाहिए, और बाकी एनसीईआरटी तो मैंने आपको बताया ही। तो बेसिकली अगर मैं बोलूंगा तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी से पढ़ाई करिए, दूसरा आप पढ़ सकते हैं सविंदर सिंह, तीसरे नंबर पे आप आइए तो फिर रूपा मेड सिंपल पढ़िए, और इसके बावजूद भी अगर आपको पढ़ना है तो आप सेपरेट कॉपी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेट इन सबकी सविंदर सिंह ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपको पढ़ना पड़े तब आप हमें ईमेल करिए, मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सी बुक जो है आपको उसके बाद पढ़नी चाहिए। ऑब्वियसली इसके बाद से मैं आपको फॉरेन राइटर्स की बुक बोलूंगा कि उन सारी बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, दैट बुक विल हैव एग्जाम्पल्स ऑफ यूएस यूके, मतलब बाहर की कंट्रीज के ही आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। पहली चीज, द लैंग्वेज मे बी यू मे फाउंड द लैंग्वेज लिटिल टफर बिकॉज ऑब्वियसली द राइटर्स आर फॉरेन राइटर्स, देन दे हैव यूज्ड अ बिट डिफरेंट लैंग्वेज, थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन अगेन इतना ऐसा कोई इशू नहीं होता है। बाकी जीसी लियांग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, दिस इज अगेन अ जीएस बुक, जीएस में भी काफी रिकमेंडेड होती है, और यहां से आप क्लाइमेट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज ले लेते हैं बिकॉज क्लाइमेट का चैप्टर इसमें काफी डिटेल में दिया गया है। तो बेसिकली इस यहां पर इस बुक को लिया जाता है लैंडफॉर्म की पढ़ाई करने के लिए और क्लाइमेट की पढ़ाई करने के लिए, तो ये दो टॉपिक्स इसमें काफी अच्छे से कवर किए गए हैं। इसके बाद अगर देखें हम लोग तो पेपर वन में ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक आता है, और ह्यूमन ज्योग्राफी में ये कुल 6 टॉपिक्स हैं, पर्सपेक्टिव, मॉडल्स, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक एंड आरडीपी। इन टॉपिक्स में मैं कहूंगा कि जो बुक्स हैं, हालांकि अगेन यहां पर भी मल्टीपल बुक्स हैं, इनफैक्ट हर एक टॉपिक के लिए दो दो तीन तीन बुक हैं, और इसमें मैं कहूंगा कि आपको पढ़ने की जरूरत है, इसमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा बुक्स को रेफर करेंगे उतने नए थॉट्स, नए नॉलेज, नई कह लीजिए कि एडेप्टेबिलिटी आएगी आपको। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो एक बुक आपको रूपा मेड सिंपल अगेन आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन की एक बुक आती है, इसको आप पढ़ सकते हैं। दिस इज, यहां पर गौर करिएगा, दिस इज नॉट फिजिकल, दिस इज इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, दिस इज द पार्ट टू ऑफ द रूपा मेड सिंपल। तो दो बुक आती हैं, वन इज द पार्ट वन जो कि फिजिकल के लिए होती है, सेकंड जो होती है वो इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी के लिए होती है। थोड़ी सी अगेन मैं कहूंगा कि टफर लैंग्वेज जरूर है, लेकिन अगेन दिस इज क्वाइट इजी एंड इजी टू कॉम्प्रीहेंड। लेकिन माजिद हुसैन की बुक मैं कहूंगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी टॉपिक।
यहां पर पॉपुलेशन और सेटलमेंट इनफैक्ट माइग्रेशन के बारे में काफी डिटेल्ड और काफी अच्छे से दिया गया है, तो यू कैन रेफर दिस बुक फॉर दीज टू टॉपिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, ऑल्दो दिस हैज कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स, देख सकते हैं एक बार, मैं कहूंगा कि ये भी अच्छी बुक है। और इन ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मैं कहूंगा कि जितनी बुक्स मैं बताऊं उन सारी बुकों को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए, बिकॉज दिस ये सारी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है आर डी दीक्षित की किताब, ये जो दीक्षित की बुक है दिस इज एक्चुअली गुड फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए दिस इज वेरी गुड बुक। यहां पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो कि बाकी के बुक में नहीं मिलते हैं। इस पर्सपेक्टिव के लिए एक्चुअल में दो बुक काफी अच्छी है, एक तो आर डी दीक्षित की बुक ही है, दूसरी है सुदीप्ता अधिकारी और माजिद हुसैन की बुक। तो यहां पर मैं कहूंगा कि इन तीनों बुक को, दिस इज नंबर वन बुक, दिस इज नंबर टू बुक एंड नंबर थ्री बुक, लेकिन यहां पर नंबर वन टू थ्री का मतलब ये नहीं है कि इस बुक के बाद ये वाली, इस बुक वाली, ये वाली, नो, यू हैव टू परचेज ऑल थ्री एंड यू हैव टू रीड ऑल थ्री, तीनों ही आपको पढ़ाई करनी है। इनको पढ़ने के बाद आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट डेवलप हो जाएगा और ये कंटेंट एक्चुअली किसी भी क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी को डील करने के लिए सफिशियंट एनफ होते हैं। तो यहां पर ये कुछ बुक्स होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, जिनको कि आप परचेस कर सकते हैं और इनको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर टू आ जाती है, पेपर टू में मैं कहूंगा कि किताबें कम पढ़नी है, आपको अपने दिमाग ज्यादा पढ़ना है, मतलब आपको चीजें जो है अपनी दिमाग से ज्यादा सोचनी है, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड डायरेक्टली टू योर सोसाइटी, कि आपकी सोसाइटी, आपके आसपास क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो आपको उन सारी चीजों के बारे में ज्यादा देखना होगा। यहाँ पर किताबें बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है कि बुक्स नहीं पढ़ना है, यू हैव टू रीड दैट बुक्स, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि यहाँ पर करंट अफेयर्स, मैगजीन्स, पेपर, न्यूज़पेपर, ये सब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वन इज अगेन माजिद हुसैन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बुक। मैं कहूंगा कि इस बुक को आप थॉरो रीडिंग करिए, मतलब पेज टू पेज रीडिंग करिए, बिकॉज ये लिखी ही इसीलिए गई है कि आप इसको ऑप्शनल के लिए पढ़ाई कर सकें। यहां पर हर एक टॉपिक एटलीस्ट आपको मिल जाएंगे, बाकी आप कंटेंट एनरिचमेंट बात में करते रहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे पहले इस टॉपिक को आप, मतलब इस बुक को आप पढ़ लीजिए। अगर इस बुक को आप पढ़ लेते हैं और अगर आपको मन कर रहा है नहीं मुझे और पढ़ाई करना है, तो आप दूसरी बुक परचेज कर सकते हैं, डी आर खुल्लर की बुक। थोड़ी सी मोटी बुक जरूर है, लेकिन इसमें कंटेंट और इसमें जो डेटा मिलेंगे वो अपडेटेड मिलेंगे, तो आपको ये चीज जो है वो एनरिचमेंट करने के काफी काम में आ जाती है। इसके अलावा आपको कुछ मैगजीन्स और जो भी एग्जाम कह लीजिए न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, वो आपको तो कवर करने ही करने हैं, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, ज्योग्राफी एंड यू, डाउन टू अर्थ, बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं, कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते हैं। और यहां पर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहीं ना कहीं इन मैगजीन्स के ही कह लीजिए कंटेंट बेस्ड पे होते हैं, तो ये जो कंटेंट बेस्ड है वो कहीं ना कहीं आपके बेसिक नॉलेज एज वेल एज योर करंट अफेयर्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट को कवर करती है, तो आपको ये इन सब चीजों को देख लेना चाहिए, दीज हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ऑप्शनल पेपर। अब आती है हमारी एक स्ट्रैटेजी, इतना सब कुछ पढ़ना है, इतनी सारी बुक्स है, मतलब मिनिमम 10 बुक्स तो मैंने ही बता दिए हैं, तो हाउ टू रीड दैट बुक्स, कैसे क्या करें। इसमें स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनफैक्ट इन द प्लेलिस्ट आल्सो यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ सीरीज, सेम काइंड ऑफ फैशन, कि यहां पर सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी की। देखिए यहां पर जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, यू मे हैव योर ओन स्ट्रैटेजी, आपकी अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई जड़ी बूटी आपको दे दे रहा हूं कि आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप इस पैटर्न में अगर आप पढ़ेंगे, इस फैशन में अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको इस सब्जेक्ट की काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको एक शेड्यूल भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपका एक पैटर्न हो जाएगा कैसे डील करना है। और मैं लॉजिकली बताऊंगा कि आखिर में ऐसा पैटर्न आपको क्यों फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाई करिए, और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी सबसे पहले आप पढ़ाई करिए पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी की। पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने के पीछे रीजन ये है कि आपको ये हर एक क्वेश्चन की स्टार्ट बताएगा, क्योंकि दिस इज द लिटरेचर पार्ट, दिस इज वेयर ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट गॉट डेवलप्ड एंड एज अ सब्जेक्ट गॉट इमर्ज्ड ऑल्सो, मतलब यहां से निकल करके आया था और यहीं से डेवलपमेंट भी शुरू हुई थी,
तो आपको हर चीज का ओरिजिन यहां से मिल जाएगा, चाहे वो साइंटिफिक सब्जेक्ट के बारे में हो, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट के बारे में हो, मॉनसून के बारे में हो, ट्रेड के बारे में हो, ओशन एक्सपीडिशंस के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इस पर्सपेक्टिव के टॉपिक से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट एनवायरमेंट का टॉपिक भी आप यहीं से उठा सकते हैं, ग्रिफिथ टेलर हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली एनवायरमेंट को लेकर के यहीं से टॉपिक उठाई जाती है। तो इसलिए मैं कहूंगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू शुड स्टार्ट योर ज्योग्राफी फ्रॉम हियर। इनफैक्ट अगर आप मान लीजिए कि पढ़ भी चुके हैं, यू हैव गॉन थ्रू विद ऑल द टॉपिक्स ऑफ द ज्योग्राफी एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योर ज्योग्राफी इन अ वेरी वेल फैशन, फिर भी मैं कहूंगा कि व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट देन स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम पर्सपेक्टिव। एक बार आप करके देखिए, आपको अपने आप में काफी बड़ा डिफरेंस दिखेगा, आपको चीजें कनेक्ट होती हुई दिखेंगी। दूसरा जो आपको पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए मॉडल्स एंड थ्योरीज। मॉडल्स एंड थ्योरीज के बारे में आप पढ़ लीजिए, अब इसके बाद से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, फिर आप सेटलमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, फिर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ सकते हैं, फिर रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। मतलब इसके बाद आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, चूज एनी वन, कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं कहूंगा कि आप जितनी भी मैंने बुक्स बताई, किसी भी एक बुक को पिक करिए, पिक एनी बुक, किसी एक बुक को पिक करिए, उसको रीड करिए। जब आप उस बुक को रीड कर लीजिए तो ऐसा नहीं कि दूसरे बुक पे फिर चलते हैं, चलो भाई हमने सुदीप्ता अधिकारी पढ़ ली, अब हम चलो चलते हैं कि जो आरडी दीक्षित है उसको पढ़ लेते हैं या माजिद हुसैन को पढ़ लेते हैं। नहीं, यू हैव टू चूज वन, यू हैव टू स्टिक विद द वन। आप एक बुक पढ़ लिए, आगे बढ़िए, दूसरे टॉपिक को कंप्लीट करिए, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। ऐसा नहीं है कि आप दो साल लेकर के ज्योग्राफी तैयार करते रहेंगे कि भाई हम जो है पंचवर्षीय योजना बना करके दो साल पहले करेंगे तैयारी ज्योग्राफी का, फिर तीन साल अगले करेंगे हम जीएस की तैयारी और पांच साल में फिर हम सिलेक्शन लेंगे। नहीं, करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, खैर दिस इज योर चॉइस, बट आई वुड सजेस्ट कि व्हाट शुड बी द स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एंड दैट स्मार्ट स्ट्रैटेजी विल बी फर्स्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, देन स्टार्ट इनरिचिंग योर नॉलेज। पहले आप चीजों को स्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर उसके अंदर में आपको प्लास्टर बनाना है तो प्लास्टर करिए, फॉल सीलिंग लगाना है तो फॉल सीलिंग लगाइए, लाइटनिंग करनी है लाइटनिंग करिए, उसमें इटालियन आइटम लगाना है तो इटालियन आइटम लगाइए, फ्लोरिंग कराना है फ्लोरिंग, कुछ भी कराना है वो कराइए, लेकिन पहले घर बनाइए। घर बनाएंगे सेफ रहेंगे, और सेफ रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वाई आई वुड से फर्स्टली कंप्लीट योर सिलेबस। अब कंप्लीट करने के बाद चीजों के बारे में आप जाइए, जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए तो आप या तो पेपर टू भी स्टार्ट कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू, बट अगेन आई वुड से गो विद द पेपर वन, बिकॉज देयर आर मेनी मोर टॉपिक्स विच आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन द पेपर टू। तो जब आप पेपर टू के जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हिमालयन ओरिजिन हो गया, या फिर क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, कोपेन थॉर्नवाइट, जितने भी क्लासिफिकेशन है अगर आप पढ़ेंगे, तो आप पेपर टू में उसको नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको प्री रिक्वायर्ड नॉलेज चाहिए, एंड प्री रिक्वायर्ड नॉलेज इज बीइंग डिस्कस्ड हियर इन पेपर वन। तो इसलिए मैं कहूंगा कि गो विद द पेपर वन। यहां पर जितने भी टॉपिक्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेट, जियो जो भी बायोजियोग्राफी और इन्वायरमेंट है, एंड देन स्टार्ट पेपर टू। पेपर टू में अगेन यहां तो खैर कोई दिक्कत नहीं, यू विल स्टार्ट स्टडी द एनसीईआरटी एंड देन सविंदर सिंह, ये दो बुक तो आपको पढ़नी पड़ेंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है, यू हैव टू यूज these two books। NCERT तो खैर आप अपने GS के लिए भी पढ़े होंगे, लेकिन सविंदर सिंह आपको एक additional book यहाँ पर पढ़नी ही पड़ेगी। और अगर आप NCERT नहीं पढ़े हैं तो पहले आप NCERT पढ़िए, फिर सविंदर सिंह पढ़िए, तब जाकर के आपका ये physical complete होगा। इसके बाद आप आ जाएंगे paper 2 में। paper 2 में आप क्या करेंगे, paper 2 में आप वही माजिद हुसैन की जो बुक है उसको उठाइए और इसको पहले गो थ्रू करिए। Once you have gone through with all the topics of Majid Hussain and you have completed this whole geography thing, अब आप additional books पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो books आपकी human geography में छूटी है आप वो उठा सकते हैं। Paper 2 में अब आप, मैं कहूंगा कि monthly magazine उठाइए, जब आप एक बार पूरा complete कर चुके हैं, monthly magazine उठाइए और उनको read करना शुरू करिए। अब आप जब रीड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड ऑल द सब्जेक्ट, एक बार आपने कंप्लीट कर लिया है,
अब आप कंटेंट एनरिचमेंट कर रहे हैं और कंटेंट एनरिचमेंट के दौरान में यू कैन फॉलो द मैगजीन, यू कैन फॉलो द केस स्टडीज, यू कैन फॉलो एनी न्यूज़पेपर या कोई बुक, कुछ भी आप फॉलो कर सकते हैं. एंड आई बिलीव दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी एंड बाय दिस वे यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर ऑप्शनल एंड आफ्टर द कंप्लीशन यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग द सिलेबस. और ये रिवीजन चाहे वो बुक के माध्यम से करिए, बुक के माध्यम से भी हो सकता है, मैगजीन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, किसी भी तरीके से हो सकता है. तो ये थी बेसिकली पूरी की पूरी ज्योग्राफी की बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी एंड द सिलेबस एंड ऑल थिंग अबाउट दिस ज्योग्राफी. तो अगेन जितने लोग ज्योग्राफी वाले लोग हैं वो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू फेस होता है रिगार्डिंग द ज्योग्राफी और यू हैव टू अगर आपको कोई आंसर अपने इवैल्यूएट करवाना है, सजेशन लेनी है, तो आप इन चैनल्स को यूज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं. इन चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं. अगर आपने कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूशन में अगर सेल्फ स्टडी आप करना चाहते हैं, देन यू कैन फॉलो द प्लेलिस्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑफ रिकॉग्निशन आईएएस. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू होता है, देन ऑब्वियसली यू कैन यूज एंड यू कैन गिव अस अ ईमेल, ताकि हम लोग आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. चलिए फिर, दिस इज ऑल थिंग अबाउट दिस ज्योग्राफी ऑप्शनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.